हेलो दोस्तों, के पी साइड में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, बजाज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों आई टी आई पास आउट कैंडिडेट के लिए, जो आई टी आई एनसीबीटी एससीबीटी से पास किए हैं दोस्तों, वही केवल बच्चे इस कैंपस प्लस वन में भाग ले सकते हैं। चाहे आप सरकारी आई टी सी या प्राइवेट आई टी सी पास किए तभी आप इस कैंपस प्लस वन में भाग ले सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, तभी जाके आप इस कैंपस प्लस वन में जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 8 घंटा ड्यूटी करवाई जाएगी। निःशुल्क कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, फ्री कैंपस प्लस वन ये है दोस्तों। इसमें कोई चार्ज नहीं रखा गया। आपसे अगर कोई पैसा वैसे कुछ मांगते हैं दोस्तों तो आप दीजिएगा नहीं, आप उससे सतर्क रहिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पैसे दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग नहीं होता है, क्योंकि कंपनी वाले पैसे नहीं लेते हैं, दूसरा कोई आकर पैसा आपसे लेके चले जाते हैं, बस आप लोग को चुना लगा के चल जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग को पैसा वैसे कोई भी मांगता है तो आपको देना नहीं है। इसमें यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या चलनी चाहिए सारा कुछ मैं इसका ऑफिशियल नोट भेजल का पूरा डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, कि क्या एज में रखा गया, कब कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, क्या सैलरी दिया जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों इसके ऑफिशियल नोट भेजल के। तो आप लोग शुरू से एंड दो दोस्तों इस वीडियो बने रहे तभी बहुत समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस की जानकारी जाती है, आर्टिस्ट संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग दी जाती है। चलो दोस्तों अभी चलते बजाज मोटर्स लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जिन जिन बच्चों का अभी मारुति सुजुकी TWO एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना चुका हूँ, इंटरव्यू का भी वीडियो बना चुका हूँ, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आप अगर दोस्तों उस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप दोस्तों जो है एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे और इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उस वीडियो को जो देखना ना बोले दोस्तों जरूर देखिएगा जाके, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा। तो चलो सब चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग बजाज मोटर्स लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। ये जो कंपनी है दोस्तों हरिद्वार में है दोस्तों, उत्तराखंड में। तो हरिद्वार प्लांट में आप लोगों का जॉब लोकेशन दिया जाएगा दोस्तों। हरिद्वार प्लांट में दोस्तों आप सब जानते हैं हरिद्वार में हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड का भी कंपनी है वहीं पे, तो वहीं पे ये भी कंपनी है, तो आप लोगों का जॉब लोकेशन वहीं पे रहने वाला है। यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा हुआ दोस्तों उसी के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो आई टी पास आउट कैंडिडेट केवल भाग ले सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन बच्चे को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको इसमें लिया जाएगा, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो आई टी ट्रेड दिया गया देख सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल इंजन, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, PPO, RAC, ये सब ट्रेड दिया गया है। तो जिनका जिनका ट्रेड है वही केवल इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं ले सकते। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद कैंपस प्लस में जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इसमें जेंडर दिया गया ओनली मेल कैंडिडेट इसमें लिया जाएंगे, जो है पुरुष कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट जो रखा गया 18 से 25 साल रखा गया है दोस्तों, जिनका एज 18 से 25 साल तक है वही केवल भाग ले सकते हैं, नहीं आपका एज 18 से कम होना चाहिए, नहीं 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो आप लोग अपना अपना एज लिमिट काउंट कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद कैंपस प्लस में जाइएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो सैलरी इसमें आपको 10,331 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये आपका 8 घंटे ड्यूटी टाइम रहने वाला दोस्तों, 8 घंटे में आपको ये 10,331 रुपये दिया जाएगा। यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दिया जाएगा दोस्तों, इसमें सिर्फ जो है यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जा रहा है, अदर फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों वो अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरोक्स कॉपी साथ में आप लेके जाएगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर से जेरोक्स करवा के नहीं लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ वहाँ परेशानी उठाना पड़ता है जेरोक्स करवाने के लिए। तो इससे बढ़िया कि आप लोग पहले जेरोक्स करवा के रखे घर में, उसके बाद कैंपस प्लस वन में जाइए। जो डेट ऑफ कैंपस प्लस वन यहाँ पे देख सकते हैं 14 अप्रैल 2022 को कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, तो 14 तारीख को आप लोग को जाना पड़ेगा, सुबह 9 बजे दोस्तों वहाँ पे पहुँच जाना है। जहाँ जाना है यहाँ पे कैंपस प्लस वन वेन्यू दिया गया है, जो गवर्नमेंट ITI बोधवान उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, तो वहीं पे आप लोग को जाना पड़ेगा दोस्तों। 14 अप्रैल सुबह 9 बजे आप लोग वहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं उसी का बैनर दिया गया है दोस्तों, तो जाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, इसका कैंपस प्लस वन भाग लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो लाइक शेयर अपने दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।